नमस्कार दोस्तों, ओरिजिन ऑफ लाइफ वाले वीडियो में आप ये जान ही चुके होंगे कि अर्थ पर लाइफ का ओरिजिन किस तरह से हुआ था। इस तरह वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और एमोनिया जैसे सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से एमिनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और शुगर जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और फिर किस तरह से फर्स्ट प्रोटोसेल का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोटोसेल से बाद में प्रोकैरियोट्स और फिर प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स इवॉल्व होते हैं। यूकैरियोट्स में से आज मॉडर्न ह्यूमंस, प्लांट्स, ट्रीज, फंगाई और बाकी स्पीसीज तक के सफर में बिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लग जाता है। मॉडर्न ह्यूमंस की बात करें तो अराउंड 65 मिलियन ईयर्स पहले अर्ली मैमल्स के लीनेज में से प्राइमेट्स इवॉल्व होते हैं, जिनकी लीनेज में एक ब्रांच होमिनिड्स की होती है। इन होमिनिड्स की लीनेज में अराउंड 6 to 7 मिलियन ईयर्स पहले सहेलेंथ्रोपस इवॉल्व होते हैं, जो ह्यूमंस के अर्लीस्ट नोन एंसेस्टर्स माने जाते हैं, और जो बाइपेडल थे, मतलब दो पैरों पर चलने की एबिलिटी रखते थे। हालांकि इस बात का एविडेंस क्लियर नहीं है कि वो दो पैर पर चलते थे या नहीं, इसलिए कुछ रिसर्चर्स इस बात से एग्री नहीं करते। लेकिन आगे चलकर इन्हीं की लीनेज में से होमो सेपियंस, मतलब ह्यूमंस की ब्रांच इमर्ज होती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इवोल्यूशन का प्रोसेस लीनियर तरीके से नहीं होता, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो सभी डायरेक्शन में होता है, और इसी वजह से इवोल्यूशन को लेकर कुछ मिसकंसेप्शन भी है। फॉर एग्जांपल, कितने लोग आज भी ऐसा मानते हैं कि जो ह्यूमंस है वो मंकीज से इवॉल्व हुए हैं, तो वो क्वेश्चन करते हैं कि अगर ह्यूमंस मंकीज से इवॉल्व हुए हैं तो आज भी क्यों हमें फिर मंकीज देखने को मिलते हैं, वो क्यों ह्यूमंस में इवॉल्व नहीं हुए। जबकि ऐसा मानना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ह्यूमंस जो है वो मंकीज से इवॉल्व नहीं हुए हैं, बल्कि ह्यूमंस और मंकीज एक कॉमन एंसेस्टर को शेयर करते हैं, जिसकी लीनेज में से ये दोनों स्पीसीज इमर्ज हुई है। ये कॉमन एंसेस्टर ना तो मॉडर्न ह्यूमन था और ना ही मॉडर्न मंकी। चिंपांजीज, गोरिलास, मंकीज और ह्यूमंस, इन सभी का यही एक कॉमन एंसेस्टर था, और इसी में से ये सब स्पीसीज डाइवर्सिफाई हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप टाइम में और ज्यादा पीछे जाते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आज हमें जितने भी स्पीसीज देखने को मिलती है वो सभी एक कॉमन एंसेस्टर को शेयर करते हैं। इस कॉमन एंसेस्टर को लूका या लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर भी कहा जाता है, जो एक सिंपल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म था। इस लूका में से बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया की ब्रांचेस इमर्ज होती है, और फिर बाद में यूकेरिया में से एनिमल्स, प्लांट्स और फंगाई की ब्रांचेस इमर्ज होती है। चेंजिंग एनवायरमेंट्स के चलते बिलियंस ऑफ ईयर्स तक एडेप्टेशन और नेचुरल सिलेक्शन के जरिए ये सभी इवॉल्व और डाइवर्सिफाई होते रहते हैं, जिसकी वजह से आज हमें इतनी सारी स्पीसीज देखने को मिलती हैं। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि मॉडर्न ह्यूमन या होमो सेपियंस कब और किस तरह से इवॉल्व हुए। थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ के हिसाब से लूका, मतलब लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, अराउंड 3.5 से 4 बिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट करता था, जिसमें बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता था, मतलब सेल आइडेंटिकल टू सेल्स में स्प्लिट होता था। ये एक सिंपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था जो मोस्ट लाइकली प्रोकैरियोटिक था, मतलब इसमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जैसे दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट थे। मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद लूका में से बैक्टीरिया और आर्किया, ये दो ब्रांचेस इमर्ज होती है। बैक्टीरिया और आर्किया दोनों सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। अराउंड 2.7 बिलियन ईयर्स पहले बैक्टीरिया के डोमेन में फर्स्ट साइनोबैक्टीरिया वो इवॉल्व होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के जरिए लाइट एनर्जी को यूज करके ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करने लगते हैं। इससे ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ने लगता है, जिससे बाद में एरोबिक बैक्टीरिया इवॉल्व होते हैं, मतलब वो बैक्टीरिया जो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को यूज करते थे। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के हिसाब से कुछ टाइम के बाद कुछ एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल्स इस एरोबिक बैक्टीरियम को एनगल्फ या एक्वायर करते हैं, लेकिन इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाए, इसलिए दोनों में एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है, जहां ये एरोबिक बैक्टीरियम एरोबिक रिस्पिरेशन के जरिए होस्ट सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने लगते हैं, और बदले में होस्ट सेल्स इनको प्रोटेक्शन और रिसोर्सेज प्रोवाइड करने लगते हैं, जिससे दोनों का फायदा होने लगता है। इस रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, और टाइम के साथ साथ आगे चलकर ये एरोबिक बैक्टीरियम होस्ट सेल के अंदर ही परमानेंट स्टेबल होकर माइटोकॉन्ड्रिया में बदल जाते हैं। सेम प्रोसेस से ये होस्ट सेल साइनोबैक्टीरियम को भी एंगल्फ करते हैं, और कुछ टाइम के बाद ये साइनोबैक्टीरियम क्लोरोप्लास्ट में बदल जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसी वजह से आज के प्लांट्स और ट्रीज फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। इस तरह से ये होस्ट सेल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी डेवलप करते रहे, और बाद में यूकैरियोटिक सेल्स में इवॉल्व हो गए, जो इवोल्यूशन में एक टर्निंग पॉइंट था। तो बेसिकली लूका में से 3 मेजर डोमेन्स इवॉल्व होते हैं, आर्किया, बैक्टीरिया और फिर कुछ टाइम के बाद यूकैरिया। यूकैरिया डोमेन में आगे चलकर एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई और प्रोटिस्टा जैसे अलग अलग किंगडम की ब्रांचेस इमर्ज होती हैं। इस एनिमल किंगडम की ब्रांच में अराउंड 550 से 560 मिलियन ईयर्स पहले बायलेट्रियंस इवॉल्व होते हैं, मतलब वो एनिमल्स जिनमें बायलेट्रियल सिमेट्री होती है, जैसे कि लेफ्ट एंड राइट साइड, टॉप एंड बॉटम, फ्रंट एंड बैक, जो एक दूसरे की ऑलमोस्ट मिरर इमेज होते हैं।
ओल्डेस्ट पायलेट्रियन फॉसिल साउथ ऑस्ट्रेलिया में पाया गया था, जिसको नाम दिया गया है इकारिया वारुटिया। ये एक वॉर्म लाइक क्रिएचर था जिसकी लेंथ कुछ 2 से 7 mm जितनी ही थी। इन बायलेट्रियंस की ब्रांच में कुछ 500 मिलियन ईयर्स पहले वर्टिब्रेट्स इवॉल्व होते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें स्पाइन की डेवलपमेंट होना स्टार्ट होती है। फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये सभी वर्टिब्रेट्स के ग्रुप में आते हैं। इन वर्टिब्रेट्स के ग्रुप में अराउंड 395 से 400 मिलियन ईयर्स पहले टेट्रापॉड्स, मतलब 4 पैर वाले एनिमल्स जैसे कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स इवॉल्व होते हैं। एम्फीबियंस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जमीन पर और पानी में दोनों में रह सकते हैं, और यही वो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम लैंड एनवायरनमेंट को कॉलोनाइज किया था। दूसरी ओर जो मैमल्स हैं, उन्हें 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहले मोनोट्रीम्स, मतलब एग लिंग मैमल्स, फॉर एग्जाम्पल प्लेटिपस और एगिडनस या स्पाइनी एंटीटर्स। दूसरे मार्सुपियल्स, मतलब वो मैमल्स जो अपने बेबीज को एक एक्सटर्नल पाउच में रेस करते हैं, जैसे कि कंगारूज और कोआलास। और तीसरे प्लेसेंटल मैमल्स, जहां फीटस मदर के यूटेरस में ही डेवलप होता है। अराउंड 66 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन के बाद मैमल्स में और भी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होता है, और इसी दौरान मैमल्स के ग्रुप में अर्ली प्राइमेट्स इवॉल्व होते हैं। अदर मैमल्स के कंपैरिजन में प्राइमेट्स के ब्रेन का साइज उनके बॉडी के प्रोपोर्शन में बड़ा होता है, और स्कल के फ्रंट में फॉरवर्ड फेसिंग आईज होती है। प्राइमेट्स सभी एनिमल्स में से सबसे ज्यादा सोशल और इंटेलिजेंट होते हैं, और ये सभी पैर या ग्रुप्स में रहते हैं। माना जाता है कि सभी प्राइमेट्स का कॉमन एंसेस्टर अराउंड 65.9 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट करता था। फिर कुछ 20 से 22 मिलियन ईयर्स पहले प्राइमेट्स की लीनेज में होमिनॉइड्स, मतलब एप्स इमर्ज होते हैं। होमिनॉइड्स में कुछ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि लार्जर ब्रेन साइज, फॉरवर्ड फेसिंग आईज और कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर। म्यूटेशन की वजह से इनमें से किसी के पास भी टेल्स नहीं होती, और सभी के पास ट्राइक्रोमेटिक कलर विजन होता है, मतलब सभी की आंखों में 3 कलर रिसेप्टर्स होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। होमिनॉइड्स मोस्टली फ्रूट्स खाते थे, और ह्यूमंस और गोरिलास के सिवा सभी प्राइमेट्स पेड़ पर इजीली क्लाइंब और मूव भी कर सकते हैं। इन होमिनॉइड्स या एप्स को मेजरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। गिबन्स, मतलब लेसर एप्स, फॉर एग्जाम्पल गिबन्स और सियामेंग्स, और होमिनिड्स, मतलब ग्रेट एप्स, फॉर एग्जाम्पल चिंपांजीज, बोनोबोस, गोरिलास और ऑरेंगुटेंस। इन होमिनिड्स या ग्रेट एप्स में कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे कि एब्सेंस ऑफ टेल, बाइपेडलिज्म और सेम ब्लड ग्रुप टाइप्स। अगर मॉडर्न ह्यूमन से कंपेयर करें तो ह्यूमंस और चिंपांजीज का डीएनए 98.4% मैच होता है, ह्यूमंस और गोरिलास का 98% और ह्यूमंस और ऑरेंगुटेंस का 97%। होमिनिड्स बोल तो नहीं सकते थे, बट साइन लैंग्वेज जरूर समझ सकते थे। फिर कुछ 12 से 14 मिलियन ईयर्स पहले इन होमिनिड्स या ग्रेट एप्स की लीनेज में से होमिनिन्स इमर्ज होते हैं, जो 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड हैं, गोरिलास, चिंपांजीज और होमो, मतलब ह्यूमंस। होमो एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ह्यूमन। वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन होमिनिन साइलेंथ्रोपस अराउंड 6 to 7 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट करते थे। स्टडीज बताती हैं कि इनके पास एप्स और ह्यूमंस दोनों के फीचर्स थे, और साथ में ये 2 पैरों पर चलने की एबिलिटी भी रखते थे, लेकिन इनका ब्रेन साइज बहुत ही स्मॉल था। फिर कुछ 3 से 3.7 मिलियन ईयर्स पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस इमर्ज होते हैं, जो फर्स्ट प्रॉपर बाइपेडल्स होते हैं, मतलब सबसे पहले 2 पैरों पर चलने वाले हमारे एंसेस्टर्स। 2 पैरों पर चलने का फायदा ये हुआ कि अब उनके हाथ खाली रहने लगे, जिससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रेस्प या कैरी कर सकते थे, और साथ ही साथ में वो दूर तक फूड और प्रेडेटर को भी देख सकते थे। इनकी बॉडी फुल्ली थिक हेयर से कवर्ड होती थी, और मॉडर्न ह्यूमंस की तरह इनके भी 32 टीथ ही हुआ करते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्टोन्स का भी यूज करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन नॉट एज अ टूल, सिर्फ फेंकने और दूसरे प्रेडेटर्स को भगाने के लिए। इनका डाइट मेनली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स था, लेकिन ये इजी टू कैच एनिमल्स जैसे कि स्मॉल लिजर्ड्स भी खाते थे। इनका एवरेज ब्रेन साइज कुछ 466 क्यूबिक सेंटीमीटर ही था, जो अभी के मॉडर्न ह्यूमंस के कंपैरिजन में सिर्फ 35% ही है। इनकी हाइट 3 फीट 11 इंच से लेकर 4 फीट 7 इंच जितनी होती थी। फिर अराउंड 2.8 मिलियन ईयर्स पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस की लीनेज में होमो हैबिलिस, मतलब हैंडीमैन इमर्ज होते हैं। ये जमीन पर तो रहते ही थे, पर साथ में फूड और शेल्टर के लिए ट्रीज पर क्लिम करने की एबिलिटी भी रखते थे, इसलिए इनके आर्म्स भी क्लाइंबिंग और स्विंगिंग के लिए एडेप्टेड थे, जो बॉडी के प्रोपोर्शन में काफी लंबे थे। होमो हैबिलिस स्टोन्स का यूज करके टूल्स बना सकते थे, और फिर इन स्टोन टूल्स का यूज वो बूचरिंग, एनिमल्स हंटिंग, बोन्स को क्रश करने के लिए और प्लांट्स को कट करने के लिए किया करते थे। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि होमो हैबिलिस हंटर्स नहीं बल्कि स्कैवेंजर्स थे, मतलब वो हंट नहीं बल्कि ऑलरेडी डेड एनिमल्स को खाते थे, या तो फिर जैकल्स और चीतास जैसे स्मॉल प्रेडेटर से जो लेफ्ट ओवर फूड हो वो खाते थे। होमो हैबिलिस की डाइट में मीट का प्रोपोर्शन ऑस्ट्रेलोपिथेकस के कंपैरिजन में कई ज्यादा था, जिसकी वजह से उनका ब्रेन का साइज भी बढ़ने लगा था। इनका ब्रेन का साइज कुछ 650 से 800 क्यूबिक सेंटीमीटर था, और हाइट भी अराउंड 3 फीट 3 इंच से लेकर 3 फीट 11 इंच जितनी ही होती थी।
फिर कुछ 2 मिलियन ईयर्स पहले होमो इरेक्टस मतलब अपराइट मैन इवॉल्व होते हैं, जिनका बॉडी प्रोपोर्शन अभी के मॉडर्न ह्यूमन से बहुत सिमिलर हुआ करता था। होमो इरेक्टस को मॉडर्न ह्यूमंस का डायरेक्ट एंसेस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि यही वो पहले अपराइट मैन थे जो एकदम सीधे खड़े होकर चल सकते थे। इनके फीचर्स भी मॉडर्न ह्यूमंस जैसे ही हुआ करते थे, जैसे कि फ्लैट फेस, लार्ज नोज और स्मॉल क्वांटिटी में बॉडी हेयर। फॉसिल रिकॉर्ड से ये भी पता चलता है कि होमो इरेक्टस फर्स्ट ह्यूमन स्पीसीज थे जिनमें प्रोजेक्टिंग या नोटिसेबल नोज इवॉल्व हुई थी। इसके पहले जो अर्लियर स्पीसीज थी उनमें नोज फ्लैट हुआ करती थी, लेकिन इनमें स्टिक आउट होने लगी थी। इस स्पीसीज में मेल्स और फीमेल्स का साइज भी रफली सेम ही हुआ करता था, जिससे ये इंटरप्रेट किया जाता है कि ये मोनोगैमी फॉलो करते थे, मतलब वन पार्टनर एट अ टाइम। ये एक तरह से हंटर गैदरर्स की लाइफस्टाइल में रहते थे और अपने सिक और इंजर्ड ग्रुप मेंबर्स के लिए केयर भी करते थे। हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं है कि ये स्पीच के कैपेबल थे या नहीं, क्योंकि स्पीच प्रोड्यूस करने के लिए इनमें रिस्पायरेटरी मसल्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए थे, लेकिन ये किसी तरह की प्रोटो लैंग्वेज का यूज जरूर किया करते थे। होमो इरेक्टस स्टोन टूल्स के साथ साथ बोन से भी टूल्स बनाते थे। यही वो स्पीसीज है जो पहली बार फायर का कंट्रोल यूज कर सकते थे और मीट को पका करके खाते थे। होमो इरेक्टस अपने वक्त के एपेक्स प्रेडेटर्स थे, मतलब ये फूड चेन के सबसे टॉप पर थे। इनका एवरेज ब्रेन साइज अराउंड 900 से 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर था और हाइट 4 फीट 9 इंच से लेकर 6 फीट 1 इंच जितनी होती थी। लेकिन कुछ 108,000 से 170,000 ईयर्स पहले ये होमो इरेक्टस भी एक्सटिंक्ट हो गए। फिर अराउंड 60,000 से 100,000 ईयर्स पहले होमो फ्लोरेसेंसिस इवॉल्व होते हैं, जिन्हें निक नेम हॉबिट्स भी दिया गया है, क्योंकि इनकी एवरेज हाइट कुछ 3 फीट 6 इंच जितनी ही होती थी। स्मॉल बॉडी साइज के साथ साथ इनके ब्रेन का साइज भी स्मॉल ही होता था, कुछ 380 क्यूबिक सेंटीमीटर। इन स्पीसीज को भी कंट्रोल यूज ऑफ फायर, बुचरिंग और स्टोन टूल्स मैन्युफैक्चरिंग के साथ एसोसिएट किया जाता है। कुछ 100,000 से 40,000 ईयर्स पहले नीएंडरथल्स भी एग्जिस्ट करते थे। ये बर्ड क्लॉज और फेदर से ऑर्नामेंट्स बनाए करते थे और साथ में एनिमल स्किन से ब्लैंकेट्स और पांचोस जैसे सिंपल क्लोथ्स भी बनाया करते थे। नीएंडरथल्स भी अपने टाइम के एपेक्स प्रेडेटर्स माने जाते हैं। ये फायर का कंट्रोल यूज कर सकते थे और साथ में फूड को रोस्ट, बॉइल और प्रिजर्व करने की एबिलिटी भी रखते थे। जनरली नीएंडरथल्स 10 से 30 इंडिविजुअल्स के ग्रुप में रहा करते थे, लेकिन ये हाई स्ट्रेस एनवायरमेंट में रहते थे, जिसके मेन रीजंस थे रिस्की हंटिंग स्ट्रेटेजी और एनिमल अटैक्स। इस वजह से 80% नीएंडरथल्स की डेथ तो 40 की एज से पहले ही हो जाती थी। इंजरीज ट्रीट करने के लिए ये कुछ मेडिसिनल प्लांट्स का भी यूज किया करते थे। स्टडीज बताती हैं कि नीएंडरथल्स थोड़ी बहुत स्पीच की कैपेबिलिटी भी रखते थे, मतलब अपने आइडियाज और फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते थे, पर उनकी लैंग्वेज अभी तक अननोन है। साथ ही साथ में कुछ रिलीजियस कल्चर सिस्टम का भी एविडेंस मिलता है, जैसे कि वो अपने डेड इंडिविजुअल्स को ओकेशनली बरी किया करते थे। इनका एवरेज ब्रेन साइज मैन में 1640 क्यूबिक सेंटीमीटर और वीमन में 1460 क्यूबिक सेंटीमीटर हुआ करता था, जो मॉडर्न ह्यूमंस के कंपैरिजन में कई ज्यादा था। एक एवरेज नीएंडरथल मैन की हाइट कुछ 5 फीट 5 इंच और वीमन की 5 फीट हुआ करती थी। लेकिन 40,000 ईयर्स पहले नीएंडरथल्स भी एक्सटिंक्ट हो गए। अराउंड 300,000 ईयर्स पहले अफ्रीका में होमो इरेक्टस की लीनेज में से होमो सेपियंस इमर्ज होते हैं, मतलब द थिंकिंग मैन। होमो सेपियंस के साथ ही दूसरी स्पीसीज भी कोएग्जिस्ट करती थी, जैसे कि होमो इरेक्टस, होमो फ्लोरेसेंसिस, नीएंडरथल्स और डेनिसोवंस, पर ये सभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सिर्फ होमो सेपियंस ही हैं जो अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। इनका एवरेज ब्रेन साइज अराउंड 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। कुछ 100,000 से 130,000 ईयर्स पहले होमो सेपियंस अफ्रीका से माइग्रेट करते हैं और दूसरे कॉन्टिनेंट और लार्जर आइलैंड्स को कॉलोनाइज करना स्टार्ट करते हैं। होमो सेपियंस यूरोप और एशिया में अराउंड 125,000 ईयर्स पहले आए थे और ऑस्ट्रेलिया में अराउंड 65,000 ईयर्स पहले और अमेरिकाज में 50,000 ईयर्स पहले। कुछ 60,000 से 160,000 ईयर्स पहले ह्यूमंस में बिहेवियरल मॉडर्निटी देखने को मिलती है, मतलब ऐसे ट्रिट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो ह्यूमंस को बाकी प्राइमेट्स और होमिनिन से अलग करती है। 50,000 से 60,000 ईयर्स पहले लैंग्वेज भी डेवलप होना स्टार्ट होती है। जब होमो सेपियंस अफ्रीका से कोल्डर क्लाइमेट्स की तरफ माइग्रेट करते हैं तो एनिमल स्किन से क्लोथ्स बनाना स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ में स्पीयर्स, बोज एंड एरोस के जरिए लार्ज मैमल्स को भी हंट करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से मैमल्स और जायंट कंगारूस जैसे जायंट लैंड मैमल्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। एनिमल्स हंटिंग के साथ साथ वो अर्थ के रिसोर्सेज को भी बेहतर तरीके से यूज करना स्टार्ट करते हैं। होमो सेपियंस या ह्यूमंस अपनी मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री में हंटर गैदरर्स की ही लाइफस्टाइल जीते रहे हैं, लेकिन कुछ 10 से 12,000 ईयर्स पहले जब एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ तो ह्यूमंस हंटर गैदरर्स की लाइफस्टाइल को छोड़कर परमानेंट सेटलमेंट की लाइफस्टाइल की तरफ शिफ्ट होते हैं। इसी दौरान ह्यूमंस एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट टाइम मेटल टूल्स का यूज करने लगते हैं।
टाइम के साथ साथ ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ते रहा और कुछ 4000 से 5000 ईयर्स पहले अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस की शुरुआत होती है, जैसे कि मेसोपोटेमिया, एंशंट इजिप्ट और इंडस वैली सिविलाइजेशन। और 5th century BC मतलब 2500 ईयर्स पहले ह्यूमंस हिस्ट्री को एज ए डिसिप्लिन रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं, जिससे हमें उस वक्त की लाइफ का एक क्लियर पिक्चर मिलता है। फिर लेट मॉडर्न पीरियड 1800s में टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है। 1914 में यूरोपियन नेशंस में बैलेंस ऑफ पावर कोलैप्स हो जाता है, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है। और 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है, जिसमें ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। जब 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है तो USSR और यूनाइटेड स्टेट्स में न्यूक्लियर आर्म्स रेस और स्पेस रेस स्टार्ट होती है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो एस्टिमेट के हिसाब से जब एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ था उस वक्त ह्यूमन पॉपुलेशन सिर्फ 1 से 15 मिलियन था, जो 1800s तक अराउंड 1 बिलियन पहुंच गया था। उसके बाद 1930 में 2 बिलियन, 1960 में 3 बिलियन, 1975 में 4 बिलियन, 1987 में 5 बिलियन और 1999 में 6 बिलियन तक पहुँच गया। 2011 में पॉपुलेशन ने 7 बिलियन मार्क को क्रॉस किया और 2022 नवंबर में 8 बिलियन मार्क को, मतलब 1 बिलियन पॉपुलेशन तक पहुंचने के लिए ह्यूमंस को कुछ 3 लाख ईयर्स लग गए, लेकिन और एक्स्ट्रा 7 बिलियन पहुंचने में सिर्फ 222 ईयर्स। तो इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।